हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। किसानों को दबा रही है सरकार, कमेटी भी सरकार के पक्ष की जाट। संभाग प्रभारी व जिला प्रभारी पहुंचे बाड़मेर, 15 को राजभवन घेराव को लेकर आह्वान किया। जिला प्रमुख प्रधान का सम्मान समारोह भी हुआ आयोजित। कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाए गए संभाग प्रभारी रामलाल जाट एवं जिला प्रभारी रवि पटेल बुधवार को बाड़मेर पहुंचे। यहां उन्होंने नव निर्वाचित जिला प्रमुख प्रधानों का सम्मान समारोह में भाग लेने के साथ ही जिला स्तरीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भाग लिया एवं 15 जनवरी को जयपुर में राजभवन घेराव को लेकर होने वाले प्रदर्शन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संभाग प्रभारी रामलाल जाट ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार किसानों को दबाने में लगी है। यही कारण है कि जब केंद्र का बस नहीं चला तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जरिए कमेटी बनाने के आदेश जारी करवाए, जबकि जो कमेटी बनाई गई है उसमें सरकार के ही लोगों को शामिल किया गया है जो कभी किसानों का भला नहीं सोच सकते। इन्हीं सबके विरोध में एवं किसानों के समर्थन में 15 जनवरी को राजभवन का घेराव किया जाएगा। इसके सभी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर किसानों की मांगों का समर्थन करें। कार्यक्रम में जिला प्रभारी रवि पटेल ने कहा कि प्रदेश में राज्यपाल भी केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं। यही कारण है कि राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा 3 कृषि बिलों का लागू नहीं करने का विधेयक पारित कर राज्यपाल को भेजा गया था, लेकिन राज्यपाल ने उसे राष्ट्रपति को नहीं भेजा एवं अपने पास ही दबाकर बैठ गए। राज्यपाल के किसानों के खिलाफ किए गए इस कृत्य के विरोध में पार्टी द्वारा 15 जनवरी को राजभवन का घेराव किया जा रहा है। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता से जो वादे किए उसे कांग्रेस महामारी के बावजूद पूरा किया है। साथ ही किसानों के साथ केंद्र ने जो अन्याय किया उसमें राज्य सरकार ने किसानों के साथ खड़ा रहते हुए न सिर्फ इन बिलों को लागू नहीं करने दिया बल्कि किसानों के आंदोलन को पूरी तरह से समर्थन किया। चौटन विधायक पद्माराम मेघवाल ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। यही कारण है कि इस कड़कड़ाती ठंड, शीतलहाट, बारिश व ओलावृष्टि के बावजूद 49 दिनों से धरने पर बैठे किसानों की मांग को सरकार नहीं मान रही है। नव निर्वाचित जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी ने कहा कि संगठन सर्वोच्च है, वो उनके ऋणी है जिन्होंने एक आम कार्यकर्ताओं को न सिर्फ जिला परिषद सदस्य के रूप में टिकट दी बल्कि जिला प्रमुख के उच्च पद पर सेवा का मौका दिया। जिला प्रवक्ता मेवाराम सोनी ने बताया कि इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष फतेह खान, पूर्व उप जिला प्रमुख सोहनलाल चौधरी, धनराज जोशी, अधिवक्ता डालूराम चौधरी, गोर्धन सिंह राठौड़, आयदान राम चौधरी, श्रीमती गरिमा राजपुरोहित सहित अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। इसे पूरे कांग्रेस कमेटी द्वारा संभाग प्रभारी एवं जिला प्रभारी का स्वागत किया गया। साथ ही जिले के नव निर्वाचित जिला प्रमुख व प्रधानों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रवक्ता मुकेश जैन ने किया। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।